नमस्कार, सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। राजस्थान में कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है। अब शहरों की तरह ही इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने टोंक के निवाई स्थित झिलाई से योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नगरीय निकायों में करीब 1000 इंदिरा रसोइयों के सफल संचालन के बाद उपयोगिता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में भी 1000 रसोइयां प्रारंभ करने की बजट 2023-24 में घोषणा की थी। इंदिरा रसोई का ये लॉन्चिंग हुआ है, मुझे खुशी है कि आज तक जो है शहर के अंदर 1000 रसोई चल रही है। बहुत शानदार पॉपुलर योजनाएं हैं वो, और आप सोच सकते हैं कि इन रसोइयों से क्या फायदा मिलता है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, मजदूर चौकड़ी, विभिन्न मंडियां, कच्ची बस्तियां, आश्रय स्थल, व्यवसायिक केंद्र, धार्मिक स्थल, जहाँ गरीब तबका रहता है, उन सब का आराम हो गया। जो छात्र बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं वो जाके खाना वहाँ खा रहे हैं। मैं खुद दो बार गया वहाँ जा करके, साथ मेरे मजदूर बैठे हुए थे, किसान बैठे हुए थे, इतने खुश थे। पहली बार जब वो जाता है पूरी फोटो ली जाती है, कार्ड दिखाना पड़ता है उसको, बैठाते उसको, गरम खाना, शानदार तरीके। पहली बार योजना बनी इतिहास के अंदर, खाने के पैकेट दिए जाते पहले, अब नहीं है, बैठाओ खाना आराम से कराओ। इस रूप में मैं समझता हूँ कि योजना जो चल रही है वो अपना आप एक नया संदेश है। अब आज के बाद में आज 400 इंदिरा रसोई शुरू हो रही है, 300 होगी 25 सितंबर तक, 1000 रसोई काम शुरू रही गाँव के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूँ। इंदिरा रसोई योजना से साल भर में 1000 रसोइयों से ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंदों को करीब 7,30,00,000 भोजन थालियां परोसने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण कस्बों में 1000 इंदिरा रसोइयों का संचालन राजीविका के माध्यम से कराने की घोषणा की गई है। अब 5000 से ज्यादा आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में योजना की शुरुआत की गई है। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण में राज्य सरकार द्वारा नई रसोइयों की स्थापना के लिए 5,00,000 रुपए की एक मुश्त राशि और 17 रुपए प्रति थाली अनुदान दिया जा रहा है। इनके माध्यम से राजीविका की 10,000 से भी ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य स्तर पर इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का कंट्रोल रूम पंचायती राज विभाग में स्थापित किया गया है। शहरी क्षेत्रों की करीब 1000 इंदिरा रसोइयों से अब तक 13 करोड़ से ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की थालियां आमजन को परोसी जा चुकी हैं। नगरीय क्षेत्रों में संचालित इंदिरा रसोई योजना से गरीब और जरूरतमंद लोगों को केवल 8 रुपए में सुविधापूर्ण वातावरण में सम्मान पूर्वक पौष्टिक भोजन मिल रहा है। इस योजना का लाभ विद्यार्थियों और श्रमिकों सहित सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। ये महंगाई के दौर में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों, कर्मचारियों और हर जरूरतमंद के लिए एक वरदान साबित हो रही है। राजस्थान रंगों और परंपराओं की भूमि अपनी समृद्ध संस्कृति और व्यंजनों से जानी जाती है। और कोई भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना चलाई है। मेरा नाम मुकेश है, मैं झारखंड से हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। मैं यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा 8 रुपए में खाना खिलाते हैं, मैं रोज यहाँ पे डिनर करता हूँ और मैं इससे बहुत खुश हूँ। योजना के अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश में कुल 1000 इंदिरा रसोइयां संचालित हैं। राज्य बजट 2023-24 में इनकी संख्या बढ़ाकर 2000 की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंदिरा रसोई का विस्तार होगा। इंदिरा रसोई योजना में जरूरतमंदों को 8 रुपए में शुद्ध, ताजा और पौष्टिक भोजन सम्मान पूर्वक एक स्थान पर बैठा कर कराया जाता है। कहा जाता है कि भगवान भूखा जगाता जरूर है पर भूखा सुलाता नहीं, और राज्य सरकार द्वारा जो ये योजना चलाई गई है, मैं खुद 1 महीने से यहाँ पे खाना खा रही हूँ और यहाँ का खाना वाकई में इंदिरा गांधी रसोई का जो खाना है बहुत टेस्टी है और पौष्टिक है। इसमें राज्य सरकार 17 रुपए प्रति थाली अनुदान देती है। भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली दाल, चावल, सब्जी, रोटी और अचार शामिल है। खाने की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद निरीक्षण करते हैं।
इंदिरा रसोई एक सराहनीय उदाहरण है कि कैसे एक योजना लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। महंगाई से राहत के साथ जरूरतमंदों को मात्र 8 रुपए में भोजन मिल रहा है। तो जिस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।